गुड आफ्टरनून पिलामाने समस्तंकु ओडिसा रा नंबर वन एजुकेशन चैनल आवेति लर्निंग को स्वागत। आज मैथ रो तमन जो डाउट बहुत दूर पचारथिल तो आज जोटा इम्पोर्टेंट डाउट जोटा परीक्षा रे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबार संभावना अच्छी एवं जो प्रश्न गुड़े बारंबार परीक्षा आसे से ही प्रश्न गुड़ी आम बाछीचु तुम डाउट भितर तो से ही डाउट को समाधान करवा से पाखे खाता पेन धरिकी बस सोदार कि तुमने लिख पार एवं पचरा प्रश्नर उत्तर ठीक टाइमिंग रे दे पार। तापर पिला माने जो पिला माने सब नुआ जॉइन करिछ प्रतिदिन मु देखुछि ओडिसा रे विभिन्न स्थान पिला माने सब तुम जॉइन करुछ तो सेति पई जो माने सब नुआ जॉइन करिछ तमन पई बे ऑप्शन होउछि कि तुम आवेति लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस कर दियो सो दैट कि तुमको सब नोटिफिकेशन मिल जइबो। तो पिला माने बेले बेले व्हाट्सएप रे नोटिफिकेशन न जाई पारे किंतु यूट्यूब तुम नोटिफिकेशन पठेबो। बहुत पिला हमर आवेति लर्निंग आप सब तुम डाउनलोड करिछ जो मैंने करिन पिला मैंने कर दियो कारण आमर जहाँ भी आम ये पाठ पढ़ाऊे तार आसाइनमेंट बाहर होमवर्क गुड़ाक सब आवेति लर्निंग आप्रे दिजिव एवं आवेति लर्निंग आप्रे लाइव क्लास बात तापर एथेरे कम्प्लीटली फुल कोर्स अच्छी आउ भेरी इंपोर्टेंट पिला माने एई कोविड 19 सिचुएशन को देखिकी आम कोर्स को डिजाइन करिचु सो दैट कि कम समय मध्यरे तुम घरे बसिकी संपूर्ण पाठ को केमिति कवर करिवो जोटा तुम स्कूल जाई करिथांतो से जिनसटा तुम हाथ पहांतारे घरे बसिकी एनी टाइम तुम जिते बड़े चाहिए गोटे जिनस को बारंबार देखिपार पढ़ी पार क्वेश्चन आंसर कर पार एनिमेटेड वीडियो देखिपार बहुत सुंदर भाव में ये डिजाइन कर कनसेप्ट सब बनी तुम आम फुल कोर्स को यूज कर पार। ठीक अच्छे पे तुम जो डाउट था बास्तव संख्या मुझे देखुची बास्तव संख्यार जो टू बी चैप्टरटा बहुत पिला डाउट अच्छे पे बहुत डाउट पचार तो से डाउट भितर तो आज आम करवा टू बी रोड़े नंबर एवं बैश नंबर तो कोड़े नंबर बैश नंबर जो प्रश्न से दुटा क्वेश्चन आम आज समाधान करवा जो कोड़े नंबर बैश नंबर पे यहाँ टे घात अच्छी जो आमर अच्छी जे अपरिमेय संख्यार घातांक तारिपर आपको गोटे सिंप्लीफाइड करने सिंप्लीफाए सरलकृत करने प्रश्नटी अच्छी तो कोड़े नंबर सेकेंड बिट प्रश्नटी हूँ तुम यदि लक्ष्य कर रूट थ्री सरी रूट घात हूँ मानने यहाँ हूँ वन बै थ्री अच्छी तार घात तो यही तुम लगुच बहुत कम्प्लिकेटेड अच्छी तो आपको आम कहीं सिंप्लीफाए कर मूल्य लिखा तो आप्रे तुमको ये प्रश्न आसो जे ये डैश प्रण के लिख आर गोटे मूल्य तुम मैंने पुट कर केमी मूल्य पुट करवा तो मूल्य पुट करवाक समाधान करा पड़ो तेल कौन पर केमी समाधान करवा आप कौन सब रूल अच्छी चल बर्तमान देखा तो प्रथम स्टेप हूँ जे ये गोटे जिन पे मन रख जदि एक धनात्मक वास्तव संख्या और एन एक पूर्ण संख्या हुए तेल आम लिखिपर ए रि ए रात सॉरी ए रूट ओवर ऑफ एन जो अच्छी इक्वल टू ए टू दि पार वन बाय एन आम लिखिपर एटा को मन रख यहाँ सूत्र ताकु बेस कर प्रॉब्लम टी करिवा तो प्रथम स्टेप आमर प्रश्नटी अच्छी सेकेंड देख पिला माने एठी मु कौन कली तुम्हें तो लक्ष्य कर बाहर थिला एटा एठी अच्छी तो यही दीटा को जो तीन रो वर्ग होगा के नौ तेल यही दुटा को बर्तन बाहर को निगला तो भितर गुणवा जहाँ यू आम लिखिपर बाहर आन वर्ग न होगा ए दुटा बाहर को आसगल। नेक्स्ट स्टेप कौन करवा ये गोटे सूत्र देख पाने जदि ए रात पी क्यू थाए आम लिखिपर कौन ना ए टू दि पार पी होल इन टू क्यू जोटा कि तुम यही सूत्रटा कौटी पढ़ला ना यही जिनसटा आपको लक्ष्य कर ए जो एटा को टिके लक्ष्य कर आउ आकु देख ए जगार किए अच्छी ना एटा अच्छी आउ पी जगार किए अच्छी ये अच्छी क्यू जगार ये अच्छी तले ए एटा रु आमे एटा को आसिले एटा लक्ष्य कर एटा रु आमे एटा को आसिले तो पी भितर थिला क्यू बाहर थिला तो बर्तमान पी क्यू गुणा होगा तो यहाँ हूँ प्रथम सूत्र बा प्रथम फर्मूला घातांक फर्मूला। नेक्स्ट हूँ कौन नेक्स्ट हूँ जदि आपको तुम समाधान कर आपको सिंप्लीफाई कर कौन हम ना देख ये कौन है तुम यही जिनसटा थी यही सूत्र देख यही सूत्र पड़ा
सी र रूट ओवर घात तर ई अच्छी एन अच्छी रूट ओवर ऑफ एन एटा अच्छी तले एटा हम लिखि परबा कोन सी आउ डी को गुणी देबा सी को गुणी देले डी गुणी देले लिखि देले सी डी बोली तो ये देखियो तीन आउ नौ गुण लिखला 27 आउ जहाँ आमर घात थिला साधारण घात तीन तीन थिला एठी जो रूट रूट ओवर ऊपर तीन लिखा हिची वर्गमूल हिसाब रे तो सेटा आमर सेई तीन हि रहिला बुझियला तो वर्तमान पिला मान देखो एटा समस्त बुझी परलो पिला मान देखो एटा को तमको सिंपल भाव में बुझापी मुझ सूत्र गुड़िक सैट रखी सो दे तुम सूत्र देखिक भल भाव बुझिपार तापर नेक्स्ट स्टेप देख नेक्स्ट स्टेप हूँ तो आपको आम सिंप्लीफाई करवा तेल बर्तमान कह आपको जब आम सिंप्लीफाई करवा सरलीकृत करवा यार मूल्य केत आस तो ये बर्तमान तुम जाणीगल तो जो मैंने एपर्त बुझीगल से मैंने भेरी क्विकली आंसर टाइप कर जे एटा ए आर मूल्य को जदि आम सरलीकृत करवा ताले आर मूल्य केते आसीबो जो मैंने बाहर करुच आंसर टाइप कर देखा तुम मैंने करी पार्छ ना नहीं पे सरलीकृत मूल्य टाइप तुम मानक काम समाधान करवा तुमको आम प्रोसेस बने बतईदेबू ओके तो मन रख प्रोसेस इज भेरी इंपोर्टेंट ये जब तुम लक्ष्य कर तुमको आम दुटा जिन देखलु जे यही प्रश्न को समाधान करवाई भाया जो फर्मूला तीनोटी फर्मूलार बारंबार आप्लिकेसन आस तुम जिते भी प्रश्न कर आगक सब फर्मूलार प्रयोग आसो तो तुमको चिंता करार अच्छी कौ जगार मुझ सूत्रटी प्रयोग करी जब तुम ठीक जगार ठीक सूत्रटी प्रयोग कर तुम आंसर परफेक्ट बाहर तो बहुत पिला आंसर सब टाइप कले तो पे आशा कर समस्त आंसर टी राइट राइट कर तुम्हें अधा कम 80% कम मुझे आउ 20% कम मुझे आशा कर तुमठू तो मैंने करी दो वेरी गुड बहुत पिला टाइप कर आंसर तल देखा आपको सिंप्लीफाई करवा देख एक्चुअली यार आंसर कौन बाहर तेल पे आर मूल्य होते कह आर मूल्य होन 27 रूट क्यूब बाहर कले तुम पाइब तीन तेल आपको सरल करापर यो सूत्रटी तुम देखु यही सूत्रटा यहाँ कौ सूत्र पड़ी यही सूत्र को लक्ष्य कर यहीटा जहाँ यही सूत्रटा पुणी एटी आसिक आउ थे पड़ा किसी ना पे ओनली फर्मूला यो फर्मूला आम पकाचु यहाँ यही भाया भिड सब आम आभेती लर्णिंग आप्रे आम सब रखीचु ओके मैंने कौटा केमी करो स्टेप्रे करो जगार कौ फर्मूला पकेब ये सब जिन अच्छी तुमने से कम्प्लीटली भिड पाइपर तापर तुम आंसर आसला 3 तो पे जो मैंने आंसर 3 देच मेनि मेनि कंग्राचुलेसन पे क्वेश्चनटा लगुच बहुत कम्प्लिकेटेड कितु आपको कॉम्प्लिकेटेड भाव दरकार नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन ओके किसी ना तीनटा फर्मूला ये तीन टा फर्मूलार खेल शेष ओके वेरी गुड तुम मैंने आंसर 3 देच आउ प्रश्न जी पचारे से नाटा लिखि नथिले बट एनिवे पिला प्रश्नटा बहुत पिला पचारे तो बर्तमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 22 रो बीट आईटा यहीटा भी बहुत पिला पचारे यहाँ बोलते लंग क्वेश्चन टा से बहुत पिला पचार देख पे आपको भी समाधान करवा आम स्टेप बाय स्टेप समाधान करवा तीनटा प्रोसेस तीन टा स्टेप समाधान करवा प्रथम स्टेप हूँ आम चेष्टा करवा जे यही पार्टा को आर प्रथम पार्टा को सरल करवा सेकेंडटा को सरल करवा आम जा जहाँ भी भाग करवा तो स्टेप वन हूँ तुम लक्ष्य कर मु स्टेप वन ये जिनसा निगला ये बर्तमान सूत्र प्रयोग करागला तो तुम जान पूर्व सूत्र जान लें जब ए रात एन रोचे लिखिपर ए टू दि पार वन बै एन तो से जो एन अच्छी जो वर्गमूल चिन्ह सेटा होगा के वन बै थ्री सब जगार देख वन बै थ्री एटी भी वन बै थ्री तो से जो सूत्रटा ये पड़ी यही सूत्रटा पड़ी वन बै एम है वन बै एम इंटू एन ताल बाकी तो वन बै टू वन बै टू अच्छे सब गुणा होते तो आपको टे समाधान कले तुम के पाइब ना ये वन बै टू सहित किए गुणा हो वन बै टू इंटु वन बै थ्री एटी होगा टू बै थ्री इंटु वन बै थ्री तो ये वन बै थ्री इंटु वन बै थ्री तो आपको गुणला पर तुम पाइब वन बै सिक्स टू बै नाइन एटा वन बै नाइन राइट वेरी गुड तो पे देख बर्तमान अमर एटा को आम सिंप्लीफाई करदे क्या ना यही पार्टा को आगे सरल करदे यहाँ हूँ स्टेप वन एटा मन रखिए भल भाव परीक्षार आसे प्रथम काम हूँ क्वेश्चन के देखे डरबार ना भेरी सिंपल क्वेश्चन पे केमी कर ट्रिक मु तुमको कहूँ प्रथम यही पार्टा को सिंप्लीफाई करदेव देख ये ये बड़ रूट ओवर थी बर्तमान छोटियाटे होगा ओके ताले आमर आंसर आसला के पार्टा को सरल करवा तो आम ये पाइले नेक्स्ट कौन ना यही पार्टा करवा
ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଓକେ ଏଠି କିଛି ସମାଧାନ କରିବାର ନାହିଁ ସରଳ କରିବାର ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପକାଇ ପାରିବ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ର ଘାତ ଯେଉଁ 1/3 ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଘାତ ହୋଇଯିବ 1/3 ୱାଇର ଘାତ ମଧ୍ୟ 1/3 ଜେଡ଼୍ର ଘାତ ମଧ୍ୟ 1/3 ରାଇଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଶେଷ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଲେ ଏଇ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ଼୍ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ପକାଇବା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବା ତ ଆମେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଥିଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ପାଇଲେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପକାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହରଣ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଭାଗ କଲି ତ ଉପରେ ଯାହା ମୋର ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 1/6 ୱାଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 2/9 ଜେଡ଼୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 1/9 ଅଛି ତଳେ ରହିଲା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 1/3 ୱାଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 1/3 ଜେଡ଼୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 1/3 ତାହେଲେ ଆକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସିମ୍ପୁଲ୍ କରିବା ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣଟା ଭୁଲ କରନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଉପରେ ଏକ୍ସ ଅଛି ତଳେ ବି ଏକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିଲି ସେଭଳିଆ ୱାଇକୁ ସେମିତି ରଖିଲି ଆଉ ଜେଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲି ଆକୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିଦେଲି ବାଛିଦେଲି ସବୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ତ ବାଛିଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ସୂତ୍ର କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଏର ଘାତ ଏନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏର ଘାତ ଏମ୍ ଥିବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏର ଘାତ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛେ କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛେ ନା ଏଇଠି ଦେଖ ଏକ୍ସର ଘାତ ଅଛି 1/6 ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ସର ଘାତ 1/3 ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସର ଘାତ ହେଇଛି 1/6 ମାଇନସ୍ 1/3 ତ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଆକୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରି କୁହ ଯେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ 1/6 ମାଇନସ୍ 1/3 ୱାଇ ଟୁ ୱାଇର ଘାତ 2/9 ମାଇନସ୍ 1/3 ଆଉ ଜେଡ଼୍ର ଘାତ ହେଉଛି 1/9 ମାଇନସ୍ 1/3 ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିକି ତୁମମାନେ କୁହ ଯେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ର ଘାତ କେତେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛି କି ତୁମେ ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିକି କହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ହରଣଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେଡ଼ାଣ କଲା ପରେ ତୁମେ ଭଗ୍ନାଶର ଫେଡ଼ାଣ କରିବ ଫେଡ଼ାଣ କଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ତା'ର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ ତ ଫାଇନାଲି ତୁମର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲା ପଚାରିଥିଲା ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କଲି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା କରିବ ଓକେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ପିଲାମାନେ ହୋମ୍ୱାର୍କଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସରଳ କଲେ କେତେ ହେବ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିକି ଆମକୁ ପଠାଇବ ଆମକୁ କେମିତି ପଠାଇବ ନା ତୁମେ ପେନ୍ ପେପର୍ ଏଇଟା କରିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କରିକି ତୁମେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବ ତ 7894040614 ତୁମ ନାଁ ତୁମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଇଏ ଲେଖିକି ପଠାଇବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବ ପେନ୍ ପେପର୍ରେ ତାକୁ ପଠାଇବ 7894040614କୁ ଓକେ ତା ସହିତ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିବା ସେୟାର ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ଯେଉଁଟାକି ଆଭଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଟ୍ ରଖିବା ତ ତୁମମାନେ ସବୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ସବମିଟ୍ କରିବ କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆସିବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ତୁମମାନେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ପଚାର ତ କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ତାହେଲେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ପିଲାମାନେ।